नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हमारे जितने नए भाई बहन हमारे चैनल पे आए हैं, उनसे प्रार्थना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और ये देखिए, अभी सुबह सुबह का समय है और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सुबह का समय है ना, तो अभी घर में चाय भी नहीं बनी है और किसी ने कुछ भी नहीं खाया है। बस घर के जो काम होते हैं ना, उसको करके ही मैं यहाँ पे आई हूँ चूल्हे पे। मतलब सुबह उठो तो पहले बर्तन, फिर झाड़ू, और बच्चों के जो बाबू थोड़े बहुत कपड़े गंदा किए रहते हैं उसको धुलो, फिर बस उसके बाद फिर चूल्हे पे आ जाते हैं ना हम लोग। बस उसी समय अभी मैं चूल्हे पे हूँ, तो अभी घर में चाय भी नहीं बनी है। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ देख लीजिए आप लोग, ये कुकर में ना मैं दाल डाल के चाय बना के रखी है, लेकिन किसी ने पी नहीं है। वो देखिए, अभी नीचे जो संदूक के बगल में फ्राईदान रखा है ना, उसमें चाय ही बनी हुई है। तो और अभी सुबह का समय है, तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले कुकर में ना कुकर को धुल करके उसमें दाल डाल करके, दाल, हल्दी, नमक और थोड़ा सा तेल डालूंगी। तो जितनी भी चीज़ें डालनी है ना, डाल करके कुकर को बंद करके रख दूंगी, ताकि मैं चूल्हा जलाऊंगा तो जो बनाने वाली हूँ उसको बना के सीधा मैं गैस पे चढ़ा दूंगी कुकर को। ऐसे में आग ख़राब नहीं जाएगी, नहीं तो फिर अभी मुझे बनाना है चना, चना चाट, चटपटा चना बनाना है आज। चटपटा चटपटा सबका खाने का मन कर रहा है, लेकिन अभी हम लोग तो ठीक हैं। बस सबको ना, सबको नहीं, माफ़ कीजिएगा, बस माही के पापा को और हमको ना चक्कर आ रहे हैं। ये ज़्यादा बुखार कई दिनों तक रह गया था ना, इसी की वजह से सबको चक्कर आ रहे हैं। तो चक्कर आ रहे हैं तो इसी की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, नहीं तो अभी सब लोग हम ठीक हैं। तो कुकर में मैंने दाल डाल करके रख दिया है और अब यहाँ पे मैं चूल्हे पे आग जलाऊंगी। चूल्हे पे आग जला के चटपटा चना चाट बना के आज आप सभी को दिखाने वाली हूँ मैं। चने को कल शाम को ही भिगो दिया था मैंने और भिगो करके रखी हूँ अभी। तो सबसे पहले चूल्हे पे ना मैं आग जला लेती हूँ, और आग जलाने के लिए ही मैं छोटे छोटी सी पन्नियाँ ढूंढ रही थी, कागज़ ढूंढ रही थी। ये देखिए, माही, मानसी, मानसी तो नहीं है, नैन्सी बार बार आ के चूल्हा झांक रही है, मम्मी चाय बन गई है कि नहीं, कुछ खाने को बना कि नहीं, मम्मी दे दो। तो मैंने कहा बना है बेटा, थोड़ा सा इंतज़ार करो, बच्चे हैं ना तो थोड़ी सी इनके अंदर क्या बोलते हैं, पेशेंस नहीं है, तो इसीलिए मैंने कहा बिटिया बन गया है, रुक जाओ थोड़ा सा, अभी देती हूँ। तो इधर जल्दी से चूल्हा जला के ना मैंने इधर रख दिया है कढ़ाई, और तुरंत बना के मैं इन सबको दूँगी, क्योंकि बच्चों को ना भूख लग गई है। मैंने सोचा चाय और चना सब लोग साथ में खा लेंगे, तो इसी की वजह से मैंने थोड़ा सा आज देर कर दिया है। और कढ़ाई देखिए, आग मेरी जल गई है ना, तो कढ़ाई को चूल्हे पे हमने रख दिया है और इसमें तेल भी मैंने डाल दिया है। और इधर चना चाट चटपटा बनाने के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मसाले, ये गैस तो है नहीं कि गैस को सिलो कर दो और फिर आराम से बनाते रहो। तो तेल लगभग गर्म ही हो चुका है, देखिए चना को हमने धो करके रख लिया है पहले से ही, साफ़ करके दो पानी से भिगो के धो करके रख लिया है। और इधर मसाला तैयार कर लेते हैं। तो चटपटा चाट चना बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हमने हल्दी पाउडर लिया है और फिर धनिया पाउडर एक चम्मच लिया है, और ये ना चाट मसाला है, अमचूर पाउडर जिसको बोलते हैं, ये अमचूर पाउडर है। और एक चुटकी हम लेंगे गरम मसाला पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर है। तो इन सबको क्या करूँगी लेके ना इसमें पानी डाल के मिला करके रख देंगे, तो इसे मसाला पहले से फूल जाएगा और जब चने को बनाएंगे ना थोड़ा अच्छा सा अच्छा लगेगा। तो अमचूर ना थोड़ा सा मैं यहाँ पे ज़्यादा ही डालूँगी, क्योंकि चटपटा चटपटा और तीखा तीखा सा खाने का मन कर रहा था, तो इसी की वजह से कल रात को ना मैंने चने भिगो दिए थे। और इधर हमने लिए है लहसुन और प्याज और अदरक को कूच करके लिया है तड़का लगाने के लिए चने में।
तो देखिए तेल हमारा हो चुका है और इधर मसाले में पानी डाल के रख देते हैं जब तक हमारा प्याज और अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया है ना वो हो जाए, वो हो जाएगा तब तक मसाला भी हमारा फूल जाएगा, तो इसीलिए मसाले में पहले से पानी डाल के रख देते हैं। और ये देखिए इधर ना कढ़ाई पहले से ही गर्म थी, तेल भी हमारा हो ही चुका है, तो अब इसमें जो प्याज लहसुन और अदरक के टुकड़े डाले थे ना उसको डालूंगी, तो वो मैं भूल गई थी, पहले डाल रही थी वही चीज़ें, लेकिन पहले जीरा डालना चाहिए था, तो फिर याद आया तो पहले जीरा डाला मैंने और फिर वो सारी चीज़ें जो काट करके रखी थी मैंने छौंकने के लिए। ये देखिए तो सबको अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए प्याज अदरक और लहसुन तीनों को साथ में ही डाल दिया था और तीनों को हमने भून भी लिया है, तो मसाला भी हमारा फूल गया है और मसाले को भी इसमें डाल देंगे। और मसाले को डालने के बाद ना थोड़ी देर तक अच्छे से भूनना है ताकि आँच ना तेज़ ना होने पाए, तेज हो जाएगी आँच ना फिर ये जल जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा, तो थोड़ी देर तक इसको भूनना है। तो आँच को ना मैंने स्लो ही कर दिया था, कंडी को पीछे खींच लिया था तो इसकी वजह से बुझ गया था। और अब देखो दूसरा भी हमने लगा दिया है और ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है। और जब ये हल्का सा भून जाए मतलब कढ़ाई से तेल छोड़ने लगे ना तभी चना डाल देना है इसमें। तो ये देखिए हमारा हो गया था मसाला, तो मैंने इसमें डाल दिया है चना और इसको थोड़ी देर तक भूनूंगी। और भूनने के बाद ना इसमें थोड़ा सा हींग डाल दे रहे हैं हम, हींग डालने से ना अच्छी सी खुशबू आने लगती है और थोड़ा सा ना इसका स्वाद भी बदल जाता है और चटपटा चाट सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अब जो नहीं होता है ना तो कभी कभी नींबू भी डाल देती हूँ बनने के बाद, लेकिन बाबू जब से हुआ है ना नींबू जैसे चीज़ों को मैं नहीं खाती हूँ, मतलब खट्टा खट्टा चीज़ें, क्योंकि बाबू ना उल्टी करने लगता है, इसी की वजह से खट्टी चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ। और ये देखिए थोड़ी देर तक भूनने के बाद ना चने में हमने डाल दिया था पानी, और पानी ना ज़्यादा नहीं डालना है, हिसाब से डालना है कि इतने में चना पक जाएगा, तो आधे गिलास के करीब हमने चने में डाल दिया था पानी और उसको ढक दिया है। इधर हमने टमाटर और प्याज भी काट लिया है चने चाट में डालने के लिए, तो ये देखिए एक दो चने निकाल के ना कटोरी में मैंने चेक किया कि देखूं हो गया है कि नहीं, होने के बाद ना भुसभुस हो जाता है, ये देखिए लसपस और भुसभुस अच्छा सा खूबसूरत सा दिखने लगता है, तो समझिए कि हो गया है। तो ये देखिए चने को हमने नीचे उतार लिया है और कुकर में जो दाल पहले से तैयार करके मैंने रखी थी ना उसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया था कि एक दो सीटी बज जाए तो जल्दी खाना बन जाएगा। और फिर जैसे ही चना हो गया उतार के मैंने चूल्हे पे रख दिया, इससे गैस की बचत होगी। और ये देखिए मैंने ना नमक तो पहले ही डाल दिया था, आप सभी को दिखाया नहीं इसके लिए माफ़ कीजिएगा, मिर्ची नहीं डाली थी मैं, मिर्ची डालना ही मैं भूल ही गई थी, तो फिर अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि तीखा खाने का मन कर रहा है तो अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए ये पुदीने की गड्डी है, जब ये बाज़ार से आया था ना तो इसको धो करके मैंने सुखवा के रख लिया था, तो उसी को डाल रही हूँ। और इधर जो प्याज और टमाटर मैंने रखा था ना काट के पहले से उसको भी इसमें मिला लेंगे, इसे ना सच में बहुत अच्छा लगता है खाने में, पूरा मुंह फ्रेश हो जाता है तीखा और खट्टा, तीखा खट्टा खाने से, क्योंकि बुखार में ना तीखा खाने का ज़्यादा मन करता है इसी की वजह से। तो ये देखिए अब हम लोग निकाल ले रहे हैं और निकाल के खा ले रहे हैं। इसके बाद ना सीधा मैंने पानी रखा हुआ है गर्म करने के लिए, तो गर्म पानी को ले करके बाहर चलूँगी सीधा। ये देखिए बच्चे माही और मानसी सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मी ले के आए, तो ये देखिए इधर हम सब लोगों ने खा पी लिया है और मैं बाहर आ गई हूँ। अभी क्या करने जा रही हूँ, जो गर्म पानी मैंने रखा था पहले से गर्म पानी रखा था तो इसमें मैं अब इस वाले डब्बे में डालूँगी और इसमें थोड़ा सा सादा पानी मिला लूँगी, क्योंकि पानी ना बहुत गर्म है। दूर रहकर ना दिखा दिया।
तो वो गर्म पानी में थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी मिलाया और कपड़ा धोने का निरमा डाला उसमें, और इसमें मैंने भिगो दिया है चादर। ये वही वाली चादर जो संदूक के ऊपर मैंने उतारी थी नौमी के दिन घर साफ सफाई करते समय। तो इसमें गर्म पानी मैंने क्यों किया था, क्योंकि चादर के ऊपर ना बहुत सारी तेल वाली चीज़ें गिरी रहती है और ऐसे सादे पानी से साफ़ नहीं होता, इसलिए पानी को गर्म करके मैंने चादर को भिगोया हुआ है और इसको भिगो दूँगी। और अभी सुबह सुबह का समय है, मैंने नहाया नहीं है, और ये देखिए बिछौना है, इसको कल धो करके मैंने डाला था सूखने के लिए, तो ये सूख गया है। इसको उतार के अंदर ले चलते हैं और अब सीधा चलते हैं पानी भरने के लिए। इसके बाद मैं नहाऊंगी क्योंकि अभी सुबह सुबह का समय है ना, नहाने धोने का अभी कुछ भी नहाया धोया नहीं है मैंने, बस चाय नाश्ता हुआ है और चादर मैंने भिगो दी है। और इसके बाद अब चलते हैं हैंडपम्प पे, सीधा पानी भर के ले आऊँगी, तभी नहाना धोना होगा क्योंकि नल हैंडपम्प से पानी निकालना पड़ता है। और अभी ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाबू वीडियो देख रहा है, इसके पास ही लेट के कर रही हूँ और रोए जा रहा है। इसको लग रहा है कि मम्मी बोल रही है, वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही है इसीलिए रो रहा है। क्या हुआ बेटा, देखो कौन है इसमें, मम्मी है, मम्मी है। तो दोस्तों पानी हमने भर के रख लिया है, अब नहाएंगे और नहाने के बाद सीधा फिर चूल्हे पे जाऊंगी और खाने में क्या बनता है अभी। ओ बेटा मत रो ये अले ले ले ले, मेरा बाबू। देखो कौन है, मम्मा है क्या, मम्मा से बातों करो, मम्मा से बातें कर लो बेटा। हाँ। तो दोस्तों अब हम इसी के साथ आप सभी को कल के वीडियो में मिलेंगे। बाबू परेशान कर रहा है ना, बाबू परेशान कर रहा है।